Hey you guys, welcome back to my channel and today I am gonna share with you my daytime skincare routine. So without wasting time, let's get started. So सबसे पहले मैं अपने फेस को अच्छे से क्लीन करूंगी विद द हेल्प ऑफ दिस द फेस शॉप जेजू वॉल्केनिक लावा क्लेंजिंग फोम. ये ऑयली एक्ने प्रोन टू नॉर्मल स्किन टाइप के लिए और साथ ही सेंसिटिव स्किन टाइप के लिए बहुत ही अच्छा फेस वॉश है. ये आपके स्किन से डर्ट को अच्छे से रिमूव कर देगा और साथ ही ये मेकअप को भी बहुत इजीली रिमूव करता है. ड्राई स्किन के लिए मैं ये फेस वॉश रेकमेंड नहीं करूंगी क्योंकि ये आपके स्किन से ऑयल को रिमूव कर देता है. मैं इससे अपने फेस को एक मिनट तक मसाज करूंगी और फिर मैं इसे वॉश कर दूंगी विद द हेल्प ऑफ वाटर. नेक्स्ट मैं अपने फेस को अच्छे से स्क्रब करूंगी विद दिस द फेस शॉप जेजू वॉल्केनिक लावा स्क्रब फोम. ये भी ऑयली एक्ने प्रोन टू नॉर्मल स्किन टाइप के लिए बहुत ही अच्छा स्क्रब है. अगर आपकी ड्राई स्किन टाइप है तो आप इसे मत यूज कीजिए. इसके जो स्क्रब पार्टिकल्स है वो बहुत ही ज्यादा फाइन है, तो जब आप इसे यूज करोगे तो ये आपके फेस पे बिल्कुल भी हार्श फील नहीं होंगे. अगर आपको व्हाइट हेड्स या ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम है तो ये उसे आपके स्किन से अच्छे से रिमूव करेगा और साथ ही आपके स्किन से डेड स्किन सेल्स को भी रिमूव करेगा, जिससे कि आपकी स्किन जो है वो ब्राइट अपीयर होगी. मैं इससे अपने फेस को 2 से 3 मिनट तक अच्छे से स्क्रब करूंगी, फिर मैं इसे पानी से वॉश कर लूंगी. आपको वीक में 2 बार स्क्रब करना ही चाहिए. आप देख सकते हो मेरा फेस कितना ज्यादा क्लीन दिख रहा है. नेक्स्ट मैं अपने फेस पर अप्लाई करूंगी ये मामा अर्थ का उपटन फेस मास्क. ये मास्क ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल है. ये आपके स्किन से टैन को रिमूव करेगा और साथ ही उसको इंस्टेंटली ब्राइट लुक भी देगा. इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल्स प्रेजेंट नहीं है. मैं फेस मास्क को फेस स्क्रब करने के बाद ही अप्लाई करती हूँ, मतलब मैं वीक में 2 बार फेस मास्क अप्लाई करती हूँ एंड 2 बार स्क्रब करती हूँ. आपको जहाँ जहाँ पर टैनिंग या फिर पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है आप वहाँ पे इसे लगा सकते हो. मास्क लगा लेने के बाद आपको बातें या फिर स्माइल नहीं करना है क्योंकि उससे आपके फाइन लाइंस और रिंकल्स बढ़ेंगी. मैं 15 मिनट्स तक इसे अपने फेस पर ऐसे ही रहने दूंगी और उसके बाद फिर मैं इसे ठंडे पानी की हेल्प से अच्छे से वॉश कर लूंगी. नेक्स्ट आई एम अप्लाइंग दिस डर्माफिक टोनर. इसे मैं सबसे पहले कॉटन में लूंगी और अपने स्किन को अच्छे से क्लीन करूंगी क्योंकि फेस वॉश करने के बाद भी आपके स्किन में कुछ डर्ट या डस्ट के पार्टिकल्स रह जाते हैं, जिसे ये टोनर जो है वो रिमूव करेगा. ये पैराबेन फ्री और अल्कोहल फ्री है और साथ ही ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए सूटेबल भी है. फेस क्लीन कर लेने के बाद आपको टोनर को स्किप नहीं करना है. टोनर आपको हमेशा ही अप्लाई करना है. नेक्स्ट फेस को क्लीन कर लेने के बाद मैं थोड़ा सा टोनर अपने हाथों पर लूंगी और उसे अच्छे से रब करके अपने फेस पर डैप करूंगी क्योंकि जब आप फेस वॉश करते हो तो उससे आपके स्किन के जो पोर्स रहते हैं वो ओपन हो जाते हैं एंड टोनर जो है वो पोर्स को क्लोज करेगा ताकि आपके पोर्स में डर्ट या डस्ट जमा ना हो, जिससे कि वो एक्ने कॉज करे और साथ ही आपके स्किन को हाइड्रेट भी करेगा. मैं फिर से अपने हाथों में थोड़ा सा टोनर लेके अपने फेस पर डैप करूंगी.
नेक्स्ट मैं अप्लाई करूंगी ये पॉन्ड्स की सुपर लाइट जेल। ये सभी स्किन टाइप के लिए बहुत ही अच्छी क्रीम है, बट विंटर्स में ये ड्राई स्किन टाइप को उतना हाइड्रेशन प्रोवाइड नहीं करेगी। अगर आपकी ऑयली स्किन टाइप है तो ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट प्रोडक्ट है। ये सही में सुपर लाइट जेल है, क्योंकि इसे लगा लेने के बाद आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि आपने अपने स्किन पर कोई भी जेल या क्रीम लगाए हो। ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं है और नॉन स्टिकी है। आप इसे कभी भी अप्लाई कर सकते हो, बिफोर मेकअप, ड्यूरिंग नाइट टाइम या फिर डे टाइम। आपको सारे प्रोडक्ट्स को अपने स्किन पर अच्छे से डैप करना है, पैट करना है, ताकि जो प्रोडक्ट है वो आपके स्किन के अंदर जाए और मॉइस्चर और हाइड्रेशन प्रोवाइड करे, ना कि वो आपके स्किन पर एक लेयर बन के बैठे रहे। नेक्स्ट टाइम अप्लाइंग दिस निविया सनस्क्रीन विथ SPF 50+। आपको हर एक सीजन में सनस्क्रीन अप्लाई करना है। अगर आप घर के अंदर भी रहते हो तब भी आपको सनस्क्रीन अप्लाई करनी चाहिए, क्योंकि सनस्क्रीन से आपको फाइन लाइंस और रिंकल्स की प्रॉब्लम नहीं होती है और साथ ही हार्मफुल यूवी रेज से भी प्रोटेक्ट करती है। ये भी ऑल स्किन टाइप्स के लिए सूटेबल है। इसका फॉर्मूला बिल्कुल भी ग्रीजी नहीं है या फिर ऑयली नहीं है, ये नॉन स्टिकी है। एंड लास्ट मैं अप्लाई करूंगी ये निविया के लिप बाम, एंड दिस इज इन द वेरिएंट पीच शाइन। एंड या दिस इज माय डे टाइम स्किन केयर रूटीन। आई होप यू गाइज एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।